फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग पार्किंसन डिसीज में इन्वेस्टिगेशन पार्ट देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पार्ट है ना प्योरली क्लिनिकल बेसिस पे है, ठीक है। जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह है पार्किंसन डिसीज में, तो पर्टिकुलरली कोई इन्वेस्टिगेशन पार्ट है यहाँ पे स्पेसिफिक चीज का हमारे हम लोग कर सकते हैं कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज वगैरह क्या देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे प्योरली जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया है ना प्योरली डायग्नोसिस क्लिनिकल बेसिस पे करना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि हमने उसके कार्डिनल फीचर्स देखे, उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके गेट वगैरह देखा, जो पेशेंट के जो स्ले स्टॉप्स वगैरह है, ये सब चीज़ें वहाँ पे उसके हिसाब से हमको प्योरली क्लिनिकल बेसिस पे उसके एग्जामिनेशन वगैरह करके, जैसे एग्जामिनेशन प्रॉपरली करके वहाँ पे वो डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पार्ट में सिर्फ हम लोग यहाँ पे सिटी स्कैन एमआरआई वगैरह ये सब चीज़ें, वहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है क्या, इन्हें पिरामिडल चेंजेस वगैरह है क्या, इन्हें वहाँ पे कुछ इन्हें सेरेब्रल चेंजेस वगैरह क्या, ये सब चीज़ें वहाँ पे सिटी स्कैन एमआरआई में ये हम लोग कुछ वहाँ पे अदर एक्सप्लोरेड डिजीजेस वगैरह क्या, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे सिटी स्कैन एमआरआई वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उसका प्योरली जो बेसिस है डायग्नोसिस क्राइटेरिया वो क्लिनिकल बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पार्ट में डायग्नोसिस इज मेड क्लिनिकली, ठीक है। जिसके हमने देखा कि डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल बेसिस पे होता है यहाँ पे, ठीक है। एज देयर इज नो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पार्किंसंस डिजीज, तो फ्रेंड्स हम लोगों को ऐसे पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट को अच्छी तरह से हिस्ट्री लेना रहती है और अच्छी तरह से उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी रहता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो इमेजिंग में है सीटी स्कैन है हमारा है ब्रेन का इफ नीडेड, मतलब आपके पेशेंट को सुबह कुछ एसोसिएटेड वहाँ पे कुछ अदर डिसीजेस वगैरह क्या है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें वगैरह देखने के लिए कई बार हम सिटी स्कैन वगैरह एमआरआई वगैरह वहाँ पे करवा सकते हैं इस पेशेंट में, ठीक है। लेकिन जो प्योरली डायग्नोसिस क्राइटेरिया वहाँ पे क्लिनिकल बेसिस पे हम लोगों को करना पड़ता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोग पार्किंसन डिसीज में उसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, उसका अभी ट्रीटमेंट पार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये पार्किंसन डिसीज में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह क्या कैसे करना है, वहाँ पे उसको फार्माकोलॉजी में मैनेजमेंट कैसे करना है पेशेंट में, उसके ड्रग्स ड्रग्स वगैरह कैसे कैसे देना है, ये चीज़ें वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा बेसिक प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट में कि पेशेंट को जो डोपामाइन का प्रोडक्शन कम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डोपामाइन का प्रोडक्शन मतलब जो सब्सटेंशन नाइग्रा ऑफ द सेल से वहाँ पे मिड ब्रेन के, ठीक है, सब्सटेंशन नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन के अगर ये डोपामाइन का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे डोपामाइन का प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है वहाँ पे, ठीक है। डोपामाइन प्रोडक्शन वहाँ पे हमें बढ़ाना है, इसलिए वहाँ पे डोपामाइन प्रोडक्शन किस चीज़ से बढ़ता है जैसा वहाँ पे उसको ड्रग थेरेपी वगैरह उसके हिसाब से हमें देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ड्रग थेरेपी में हम लोग फार्माकोलॉजी में मैनेजमेंट और पार्किंसन रिसर्च देख लेते हैं, वहाँ पे ड्रग्स वगैरह कौन सी यूज होते हैं सबसे पहले अगर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे लियोडोपामाइन कार्बिडोपामाइन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ड्रग है, ठीक है। लियोडोपा कार्बिडोपा ये ड्रग्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे लियोडोपा क्या करता है एक एक करके हम लोग एक एक करके हम अच्छी तरह से उसको डिटेल में देखने वाले, जैसे इन शॉर्ट देख लेते हैं कि लियोडोपा क्या करता है। लियोडोपा फ्रेंड्स क्या है प्रोड्रग है, ठीक है। लियोडोपा एक प्रोड्रग है जो कि डोपामाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लियोडोपा एक प्रोड्रग है डोपामाइन का जो कि हमारे बॉडी में फ्रेंड्स वो डोपामाइन में वगैरह कन्वर्ट होता है, ठीक है। ब्रेन में ये ब्लड ब्रेन बैरियर लियोडोपा क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह क्रॉस करता है और वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे डोपा कार्बोक्स डी कार्बोक्सिलेज से ये एंजाइम से फ्रेंड्स वहाँ पे डोपामाइन में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस ओवर होती है डोपामाइन के डोपामाइन को कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये लियोडोपा वगैरह उस हिसाब से काम करता है, ठीक है। लियोडोपा कार्बिडोपा ड्रग्स बाद में डोपामाइन के अगोनिस्ट कुछ ड्रग्स हैं डोपामाइन का जो डोपामाइन मिमिक एक्शन वगैरह करता है डोपामाइन के एक्शन जैसे करते हैं उस टाइप से कुछ ड्रग्स वगैरह है। उसके साथ साथ जो कैटेकोल वो मेथिल ट्रांसफरेंस जो एंजाइम इनहिबिटर्स के काम करता है मतलब सीओएमटी इनहिबिटर्स वगैरह है ये भी फ्रेंड्स क्या होता है जो लियोडोपा का फ्रेंड्स वहाँ पे फर्दर जो डिग्रेडेशन वगैरह होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो फर्दर स्लो डाउन करता है और वहाँ पे लियोडोपा का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अटेंड करके हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह क्रॉस करवाता है। सो फ्रेंड्स ये लियोडोपा का फर्दर ब्रेक डाउन वगैरह कम करता है। सो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे सीओएमटी इनहिबिटर्स भी कई बार देने पड़ते हैं, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी या मोनोअमाइनेज टाइप बी के इनहिबिटर्स भी यहाँ पे हमें कई बार यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। लेकिन सबसे जो मेन रोल है यहाँ पे लियोडोपा एंड कार्बिडोपा का फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। लियोडोपा कार्बिडोपा कैसे यूज होती है जैसे एक एक करके अभी हम लोग देखते हैं ये ड्रग्स अभी हम लोग एक एक करके उसके डिटेल्स में अच्छे तरह से देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम हम लोग आज हाल ही में जो यूज करते हैं पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए सबसे जो मेजर रोल है फ्रेंड्स यहाँ पे लियोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं पार्किंसन के डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लियोडोपा का देख लेते हैं, ठीक है। लियोडोपा रिमेंस द मोस्ट इफेक्टिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। ये क्या है मोस्ट इफेक्टिव है रिमेंस मोस्ट इफेक्टिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन डिजीज द गोल्ड स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच न्यू थेरेपीज आर कंपेयर्ड, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे लियोडोपा कार्बिडोपा जो कॉम्बिनेशन है सबसे ज्यादा यूज किया वाला ये ड्रग्स है यहाँ पे, ठीक है। सो लियोडोपा रिमेंस द मोस्ट इफेक्टिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन डिजीज एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच
न्यू थेरेपीज आर कंपेयर्ड, ठीक है, ये सबसे मेनली यूज किए जाते हैं, ये लुओडोपा का रिबोडोकट जो ड्रग्स है वो पार्किंसन डिसीज में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं ऐसे ड्रग्स वगैरह, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लुओडोपा का रिबोडोकट डोज वगैरह कैसे कैसे करना होता है, लुओडोपा और का रिबोडोपा हमारे बॉडी में कैसे कैसे वर्क करता है, जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये लुओडोपा है ना, ये लुओडोपा फ्रेंड्स हमारे बॉडी में क्या है, डोपामाइन का प्रोड्रग है, ठीक है। लुओडोपा क्या है, डोपामाइन का प्रोड्रग है, जो कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम से ये क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे डोपामाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज से। सो फ्रेंड्स, लुओडोपा हमारे ब्रेन ब्रेन क्रॉस करता है और वहाँ पे डोपामाइन जो एक्शन वगैरह है, डोपामाइन को स्टिमुलेट करता है वहाँ पे, ठीक है, डोपामाइन को स्टिमुलेट करता है।